नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिलबीर सिंह। दोस्तों, डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में आजकल बड़ा कुछ लिखा जा रहा है। यदि आप ट्विटर को फॉलो करते हैं और यूजीसी को आप फॉलो करते हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में आज 3 से लेकर 4 ट्वीट किए गए। इसी के साथ में यूजीसी के चेयरमैन ने भी इसके बारे में ट्वीट किए और बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि आगे का जो भविष्य हमारा होगा वो डिजिटल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही होगा। मैंने इसका टाइटल भी इसी प्रकार का दिया है कि क्या हमारा जो भविष्य है ये डिजिटल यूनिवर्सिटी का ही होगा। मतलब सारे काम तो हम डिजिटल कर ही रहे हैं। आप कुछ भी देख लें कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ जाती है तो जनरली आप क्या करते हैं, यूट्यूब करते हैं या फिर गूगल करते हैं, वो सारा का सारा काम ना डिजिटल ही हो रहा है। तो क्या हमारी एजुकेशन भी डिजिटल ही होने वाली है, इसके अंदर कोई शक भी नहीं है। तो हम इसको 12 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 11 तारीख को इसके बारे में कई सारे ट्वीट आए, परंतु हालांकि ये नई चर्चा नहीं है, इससे पहले भी चर्चा हुई थी। क्योंकि जो बजट पेश किया गया था 2022 का और 23 का, उसके अंदर भी काफ़ी कुछ बताया गया था इसी से रिलेटेड, और ये कहा गया था कि हम डिजिटल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और इसके साथ में आज ट्वीट ये क्लियर कर देता है कि 2023 के अंदर अब डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप यूजीसी के ट्वीट को देखिए, यूजीसी इंडिया क्या लिखता है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी टू बिगन इन इंडिया जुलाई 2023 से शुरू हो जाएंगी। मतलब ये एक सैद्धांतिक तौर पे है, परंतु आपके मन में कभी कभार ये भी आता होगा कि क्या डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत जुलाई 2023 से होगी। नहीं, इससे पहले भी एक डिजिटल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रखी है, उसके बारे में आपको आगे स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे। परंतु मैं तो ये सिर्फ एक आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ। इसी के साथ में आप देखिए यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं वो क्या लिखते हैं कि अगले साल जुलाई से शुरू होगा डिजिटल विश्वविद्यालय, यानी कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात ही कर रहे हैं सब। तो कई सारे ट्वीट आपने देखे होंगे, वो सारे के सारे इसी बारे में बात कर रहे हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा ना कि आज हम इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। इसका चर्चा करने का मेन जो लक्ष्य है वो यही है कि जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में कई सारे 11 तारीख को ट्वीट किए गए यूजीसी के द्वारा। तो हमने सोचा कि इसके बारे में जरूर हमारे जितने भी दर्शक उनको अवेयर करना चाहिए, और आगे की जो प्लानिंग है ना 2022-23 की नहीं 2023-24 की जो प्लानिंग है वो इसके आधार पे कर सकें कि यूजीसी जिस प्रकार से कह रही है क्या हमें डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेना चाहिए। परंतु इसके साथ में मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि एक लेटर था 6 अप्रैल 2022 को, मतलब ये नई शुरुआत नहीं है, इससे पहले भी बजट के अंदर ये बात की गई थी 2022 और 23 को कि हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में, और ये डिजिटल यूनिवर्सिटी कैसे होगी, इसके स्कोप क्या होंगे, वो भी हैं सारी की सारी बातें हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट पेश किया था 2022 और 23 में, उसी में अनाउंस हो गया था कि डिजिटल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होगी। इसी के साथ में यदि हम बात करें ना कि डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या अभी से शुरुआत होगी 2023 से होगी, बिल्कुल भी नहीं है। 2020 के अंदर डिजिटल यूनिवर्सिटी यानी कि भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो गई थी केरल गवर्नमेंट के अंदर। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये है IIIT, जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कहते हैं ना, वो इस्टेब्लिश हो गई थी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर होगा कि ये डिजिटल जो यूनिवर्सिटी हैं इस्टेब्लिश क्यों की जा रही है, मतलब बाकी जो यूनिवर्सिटी है ना उनसे काम नहीं चल रहा क्या? तो सिंपल सी बात तो ये है कि आज समय की डिमांड है, और क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, और जब डिजिटलाइज हो रहा है तो फिर एजुकेशन को क्यों दूर रखा जाए। तो एजुकेशन तो एक बड़ा अहम पार्ट है ना, तो इसीलिए सारी यूनिवर्सिटी अब डिजिटलाइज होंगी ये कहना तो मुश्किल है, परंतु बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी होने जा रही हैं। और इसका एक मकसद है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रोवाइड करना, जो अलग अलग डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी IC फॉर्मेट के अंदर वो प्रदान की जाएंगी। यानी कि डिजिटल यूनिवर्सिटी के आप इंट्रोडक्शन को इसको समझ सकते हैं। इसी के साथ में हमारे यहाँ जो दिक्कत रहती है ना वो रहती है इंटरनेट की, तो इंटरनेट के लिए कलेबोरेट किया जाएगा नेटवर्क के साथ में और हब स्पोक्स के साथ में। इसी के साथ में आपके मन में ये भी होगा कि क्या जो डिजिटल यूनिवर्सिटी हैं उनकी डिग्री है वो मान्य होगी। तो हमारे मन में कई बार आता है ना कि डिजिटल यूनिवर्सिटी से मान लिया डिग्री ले ली, सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ गया, क्या जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं कॉलेज हैं इसको मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, यदि इसको यूजीसी डिक्लेयर करेगी, और अब तो हायर कमीशन शायद हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा क्योंकि वो मर्ज कर दिए जाएंगे यूजीसी वगैरह सब कुछ, तो क्या हमारी डिग्री मान्य होगी? इसके बारे में पहले यूजीसी क्लियर कर चुकी है, और ये हिंदुस्तान टाइम्स का मतलब कटिंग मेरे पास है, ये जो आपके सामने आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे। तो ये क्या है कि एक्सेप्ट डिग्री मार्कशीट अवेलेबल इन डिजी लॉकर एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट, एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो जब पहले ही डिजी लॉकर के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिग्री डिजिटल डिग्री मान्य है, तो जो आप डिजिटल डिग्री लेंगे डिजिटल यूनिवर्सिटी से वो तो मान्य होगी ही होगी। इसी के साथ में ना
जब आप डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो उसके कुछ प्रोज भी होंगे, कुछ कौन भी होंगे, यानी कि कुछ तो उसके फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे, तो वो आपको बारीकी से समझ लेने चाहिए, ये बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। पहले तो आप देखेंगे कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का एक फ़ायदा है कि वर्ल्ड में आप किसी भी जगह पर हों, आसानी से अपनी स्टडी कर सकते हैं, आसानी से लर्न कर सकते हैं, आसानी से आप टीच भी कर सकते हैं, यानी कि चाहे आप टीचर हों स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बेहद सुविधाजनक ये है। इससे सुविधाजनक और क्या हो सकता है, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आपका मोबाइल यानी कि स्क्रीन होनी चाहिए, उसके बाद में तो कुछ भी नहीं चाहिए। आप कहीं भी अपनी एजुकेशन ले सकते हैं और कहीं भी अपना लेक्चर दे सकते हैं, परंतु लेक्चर देने के लिए थोड़ा सा मतलब क्या है कि एक टेक्निक जरूर चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट इसके अंदर जरूर होना चाहिए, तो आप समझते ही हैं। तो थोड़ा सा उसके अंदर जो ट्यूटर है उसको थोड़ा सा टेक्निकल एक्सपर्ट जरूर होना पड़ेगा, यानी कि उसके टेक्निकल टीज है ना जो, उसे वो समझ में जरूर आनी चाहिए। इसी के साथ में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी दूसरे स्थान पे जाना, कितना सुविधाजनक हो जाएगा हमें चल के किसी दूसरे स्थान पे, ना तो जाना है और ना ही आना है, टीचर्स को ना आना है, ना स्टूडेंट्स को जाना है, ना आना कहीं से, यानी कि इसके साथ में कितनी सारी सुविधाएं आपकी हो जाएंगी और कितनी आपकी बचत हो जाएगी, इसको आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी बचत नहीं हो जाएंगी। अब क्या है कि मान लिया फिजिकल तौर पे आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेना है, उस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी चाहिए, वहाँ पे आप रहेंगे खाएंगे, तो कई सारी चीज़ें आपकी हैं। इसके साथ में फिजिकल आपका लेक्चर होगा तो उसमें क्या है कि पंखे वगैरह भी चलेंगे यूनिवर्सिटी के, एसी वगैरह भी चलेंगे, डेस्क वगैरह डुअल डेस्क वगैरह वो भी चाहिए, तो टीचर चल के आएगा, तो सारा कुछ जोड़ दिया जाए तो खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा ये रहेगी। कम्यूट करने की ज़रूरत नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इससे काफ़ी सारे आपके पैसे बच जाएंगे। इसी के साथ में यूजीसी एक बात और क्लियर करती है कि ये एक ऐसी टेक्निक होगी जिसके माध्यम से क्या होगा कि आप 4 साल की डिग्री को 3 साल में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं, और उसी 4 साल की डिग्री को आप 5 साल में भी कर सकते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे ये देखिए कि 4 साल की डिग्री है उसको आप 3 साल में कीजिएगा, और 4 साल की जो डिग्री उसे आप 5 साल में कीजिएगा, ये डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बिल्कुल संभव हो जाएगा। यानी कि डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कितनी स्पीड से तैयारी करते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कितनी स्लो लर्नर आप है, उसी के माध्यम से आप टाइम ले सकते हैं। इसी के साथ में डिजिटल यूनिवर्सिटी के कई सारे फायदे और भी हैं, और वो फायदे क्या हैं कि आपको डिफरेंट टाइप का और भी मटेरियल मिलेगा, जैसे कि वीडियोज आपको अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं, फोटोज ई बुक्स आपको मिल सकती हैं, ट्यूटर भी इंटीग्रेट हो सकते हैं, यानी जिस प्रकार से एक से ज़्यादा ट्यूटर की फैसिलिटी नहीं होगी, एक से ज़्यादा ट्यूटर की फैसिलिटी हो सकती है, यानी कैलाब्रेशन के अंदर आप पढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार से मतलब अन्य क्लास होती है, जिस प्रकार से आप जूम मीटिंग करते हैं, मीटिंग की तरह भी आपकी टीचिंग हो सकती है, तो इसका डिजिटल यूनिवर्सिटी का कई सारे फायदे हो सकते हैं। और इसी के साथ में एक यूनिवर्सिटी के ही नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के यानी कि दूसरी यूनिवर्सिटियों के ट्यूटर भी आपके साथ में, टीचर भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं, और एक साथ आपका फायदा हो सकता है। इसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी ट्रेडिशनल एजुकेशन से, परंतु बात करते हैं कॉन्स की भी, यानी कि इसके नुकसान भी होंगे, और नुकसान क्या है, देखिए हमेशा ये कहते हैं कि जब आपका क्लासरूम होता है ना, यानी कि फिजिकल क्लासरूम की बात मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या होता है कि 40 मिनट का ये पीरियड क्यों होता है, क्योंकि एक सेचुरेशन हो जाती है ना स्टूडेंट की, 40 मिनट से ज़्यादा सुनने की उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, 5 मिनट टीचर ख़राब कर देता है किसी और काम में, या फिर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने में, उसके बाद में 35 मिनट का लेक्चर होता है, 35 मिनट में आप सीखते हैं, फिर उसके बाद में सेचुरेशन होती है। क्या आपको पता है कि डिजिटल जो यूनिवर्सिटी बनेगी वो सारा का सारा कंटेंट कैसे होगा, डिजिटल होगा आपके सामने, और डिजिटल कंटेंट होगा तो मतलब आपकी सेचुरेशन कितनी देर में हो जाएगी। आजकल वीडियोज़ को 8 से 10 मिनट का देखते हैं, और यूट्यूब ने भी इसको 10 मिनट से 8 मिनट कर दिया है कि लोगों की जो कैपेसिटी है ना वो 8 मिनट की बची है, परंतु 8 मिनट की भी नहीं बची। मैं तो सही बताऊंगा आपको, रील आप देखते हैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, शॉर्ट वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, और इसी प्रकार से टिकटॉक भी एक ट्रम थी, ये सब क्या है, ये तो कैपेसिटी को हैंडल कर रहे हैं, यानी कि कैपेसिटी कम हो रही है दिन प्रतिदिन, और दिन प्रतिदिन क्या है जो लॉन्ग ड्यूरेशन देखने की कैपेसिटी थी ना आपकी स्क्रीन को, वो छुट्टी हो रही है। अब यदि 15 सेकंड के अंदर भी जो शॉर्ट वीडियो हैं, 15 सेकंड से लेके आपके 59 सेकंड तक का भी जो वीडियो है, उसके अंदर भी यदि आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलता तो आप उसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, ऐसे स्किप करते हुए चलते हैं ना, तो ये मतलब है क्या वास्तव में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। हम डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात तो कर रहे हैं, परंतु जो लोगों की कैपेसिटी है ना ऑनलाइन काम करने की, ऑनलाइन स्क्रीन देखने की, वो कितनी कम है, तो क्या सारा का सारा दिन जिस प्रकार से 6 घंटे की क्लास होती है, क्या हम ऑनलाइन देख सकते हैं उसको,
और यदि ऑनलाइन ही देखेंगे तो आपको नहीं लगता कि 6 घंटे तक कोई स्क्रीन को देख सकता है? और स्क्रीन फोबिया नहीं होगा उसको? और स्क्रीन फोबिया ही नहीं, उसके साथ में और भी कई दिक्कत आएंगी, जैसे क्या होगा, पोस्चर गलत होने के कारण नुकसान हो सकता है, शरीर का नुकसान भी हो सकता है, और बहुत सारी और भी दिक्कत शरीर में आ सकती हैं कि जैसे बैक पेन है, नेक पेन है, कई सारी दिक्कत आ सकती हैं। तो ये भी तो इसके साथ में कौन ही है। इसी के साथ में आप देखोगे तो आइसोलेशन का शिकार नहीं हो जाता है कैंडिडेट, कोई भी एक कैंडिडेट घर पे ही रहेगा, यानी कि उसने अपने यार दोस्तों से मिलना ही नहीं फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो यदि आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जाते हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट से आप कितने प्रभावित होते हो, दोस्तों से मिलते हो, यानी कि सोशल दायरा आपका बढ़ता है। परंतु यहाँ पे सोशल दायरा बढ़ाने के लिए आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब तो होंगे, परंतु लोग एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, और एक दूसरे के जब तक कोई साथ नहीं होंगे तो अटैचमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो आइसोलेशन का शिकार आप नहीं हो जाएंगे और सोशल कट ऑफ भी आप हो जाएंगे। इसी के साथ में आगे मैंने मेंशन किया कि सेल्फ डिसिप्लिन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी कौन है, क्योंकि आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर यदि आप हैं, डिजिटल कंटेंट आप देख रहे हैं, तो जनरली आप कहीं और भी भटक सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं जो इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे वहाँ भी जा सकते हैं, और एजुकेशन तो काफ़ी लोगों के लिए बोरिंग है, और हम क्या सोच रहे हैं कि 100 के 100% बढ़े, तो ये भी तो एक बड़ी बीमारी है। इसी के साथ में क्या है कि जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, इंस्ट्रक्टर जो है ना, यानी कि टीचर जो है, ट्यूटर है, उसे भी तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट मिलेगी, जैसे कैमरा है, लाइट है, आवाज़ है, उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करनी है, वो काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए अलग से मतलब रिक्वायरमेंट चाहिएगी। तो फिजिकल क्लासरूम ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से कैमरे के सामने बोलने की सबकी आदत नहीं है, क्योंकि कैमरा एक निर्जीव चीज़ है, इनएक्टिव थिंग है, जबकि फिजिकल क्लासरूम के अंदर हम बच्चों के चेहरे देखते हैं, उसके अनुसार हाव भाव के अनुसार हम बदल जाते हैं, हम जब ये दिखता है कि बच्चे थोड़े से बोर हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि मतलब उसको थोड़ा सा फनी इन्वायरमेंट बनाते हैं, चुटकुला सुना सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, कम्युनिकेशन और तरह का कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, जिसके कारण बच्चे इंट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, यानी कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। परंतु क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सब संभव है? ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब के सब ट्यूटर, सब के सब टीचर कैमरे पे आके तुरंत ही पढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि एक कलाकारी है, ये आर्ट है, और कलाकारी कैमरे के सामने जल्दी से नहीं आएगी, उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा। इसी के साथ में यदि आप आगे देखोगे ना, तो प्रॉब्लम भी आती हैं, टेक्निकल इशू हैं, टेक्निकल इशू भी तो बहुत सारे हैं, जैसे इंटरनेट का गायब हो जाना, कभी कभी ब्रेकडाउन हो जाना, तो ये भी तो टेक्निकल इशू हैं। इसके साथ में ऑडियो क्वालिटी अच्छी ना आना, या कोई गैजेट आपका फेलियर हो जाना, वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी ना आना, किसी प्रकार से कनेक्शन का इशू हो जाना, उस टाइम पे जब आपकी क्लास हो तभी कनेक्शन आपका काम ना करे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ में स्क्रीन टाइम है, कितना स्क्रीन देखोगे आप, कितने लंबे समय तक आप देखोगे, तो ये स्क्रीन आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, या फिर आईसाइट में आपकी प्रॉब्लम है, तो कई सारी आपके पोस्चर की प्रॉब्लम है, बैक पेन, नेक पेन की प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम भी तो आपकी जनरेट हो सकती है ना, इसके साथ में तो वो आती हैं। परंतु जो भी है, यानी कि इसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, कमियां और अच्छाइयां तो हमेशा चलती ही हैं, परंतु कुछ जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है ये स्टेब्लिश होगी निश्चित तौर से, और जुलाई 2023 के अंदर शुरुआत होगी, तो इसकी कुछ मेजर जो पॉइंट है ना वो डिस्कशन की वो कर लेते हैं। तो क्या है कि मेजर पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर कितने बच्चे दाखिला ले सकते हैं। अब फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है कि क्लासरूम की एक लिमिट है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट होंगे तो 50 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, काम तो हो सकते हैं परंतु उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। परंतु जो यदि आप डिजिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब क्या है कि जो आपका रिकॉर्डिंग लेक्चर है या फिर लाइव क्लासेस जो भी हैं उन सब के अंदर एक टीचर 10 स्टूडेंट्स को वैसे ही पढ़ाएगा, लाखों स्टूडेंट्स को वैसा पढ़ाएगा, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जो 12वीं क्लास पास है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले सकता है, और वो कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं। और ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो GER है ना, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो है, ये 18 से 23 एज के ग्रुप की 50% होने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 50% हो जाए अगले आने वाले 15 सालों में, और अभी हमारी 27% है, तो हमें GER को बढ़ाना है इन हाउ कैसे भी, तो अच्छा प्रयास है। इसी के साथ में डिजिटल यूनिवर्सिटी है ना, वो जो शुरुआत की जा रही है डिजिटल यूनिवर्सिटी की, वो स्किल डेवलपमेंट कोर्स के साथ की जाएगी, यानी कि कौशल विकास और पाठ्यक्रम, कोर्स को पाठ्यक्रम कहेंगे, कौशल विकास पाठ्यक्रम से इसकी शुरुआत की जाएगी, और जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगी, और आगे आप देखोगे ना तो डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कौशल विकास के पाठ्यक्रमों से होगी, ये UGC के अध्यक्ष ने
कहा है। ये अक्टूबर 10 की ही खबर है, अक्टूबर 10 की खबर आप देखोगे, और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ हालांकि 12 तारीख को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो YouTube का लिंक मैंने दे ही रखा है, और YouTube पे तो आप हैं ही। इसके साथ में आप Instagram पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, Telegram पे फॉलो कर सकते हैं, Facebook पे फॉलो कर सकते हैं, Twitter पे फॉलो कर सकते हैं। Telegram की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा भूल जाना। तो बाकी जो सारे प्लेटफॉर्म हैं इनके ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं होता हूँ Instagram के ऊपर, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे जल्दी से जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए Instagram को आप तुरंत ही फॉलो कर दें। हाँ, ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।